अच्छा, आपके क्षेत्र में बैजुआ, मसांडा, गोबराई और ये बैजुआ पंचायत लगभग काफी ज्यादा घर आता है, जो एक तरह से कहा जाए तो दो नदियों के बीच में एक टापू के ऊपर ये गांव बसता है। और अभी जो है बाढ़ का समय है, बाढ़ आता है, तो उन लोगों को बचाने के लिए अगला प्रयास आप क्या कीजिएगा? देखिए, हम लोगों ने हर प्रयास किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि बैजुआ जैसे जगह पर हम लोग बिजली की मैंने वहाँ किया है, सोलर लाइट वगैरह सारा व्यवस्था की है। और कुछ बरसात के दिनों में उन लोगों का घर भी कि तो यूपी में है, कुशीनगर में, आने तो बेतिया आते हैं। हाँ, और जब अधिक पानी हो जाता है तो टीला बना हुआ है, टीला पर माल मवेशी को रखते हैं। उसका वैकल्पिक व्यवस्था यही है कि जो नदियाँ जो सूरजपुर के सामने जो आकर कट कर के बहती है या जोगापट्टी के सामने, दोनों नदियों का मुंह को बांध दिया जाए। हमें पूरा विश्वास है जो ये रोड जो निकला है कुशीनगर टू पटजरोहा, जिसको हम लोग जोड़ने जा रहे हैं बगा में हाईवे में, यदि ये 4 लेन बनता है तो उसमें इस पर विचार करने के लिए हमने डीएम साहब को भी कहा है, सरकार को भी कहा है कि दो नदियों का मुंह बंद कर दिया जाए। सरकार तो पुल भी सुरक्षित रहेगी और यहाँ कटाव का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नदी जो अपना अस्तित्व में है वो गोपालगंज यूपी होते हुए सीधे निकल जा रही है आपको गोपालगंज से आगे केसरिया तक, तो हमारा क्षेत्र जो एकदम टोटल सुरक्षित हो जाएगा, चाहे बैजुआ हो, सूरजपुर हो, या गोविंदगंज हो, या आपका पटजरोहा। अच्छा, हाल फिलहाल में जो इस साल बाढ़ आने वाला है, इसमें आपका क्या प्रयास रहेगा? इसमें तो प्रयास हम लोगों के करने से ही जो बोरा देख रहे हैं ना, जो कामें हो रही हैं, लेकिन काम में 2400 घंटे नहीं है। बहुत जगह पे ये देखा जा रहा है बांध पर के बोरा जो है भर कर चौक कर रख दिया गया है, मगर जहाँ पे कटा हो रहा है वहाँ पे इसका काम ही नहीं हो रहा। वो तो इसकी ड्यूटी किसकी है? एसकूटी की है, एसडीओ की है, जेई को है। हमने तो आदेश दे दिया है, कौ घंटा हम वहाँ बैठे रहेंगे दिन भर? विधायक है, कई गो प्रदेश से लेकर और यहाँ क्षेत्र में भी भ्रमण भी है, इस चीज का निर्देश हम लोग दिए हुए हैं। वो लोग कार्रवाई जांच के लिए इसीलिए ना लिखा है कि जांच किया जाए ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मनमानी जो भी है पदाधिकारी ठेकेदार ये सब मनमानी कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो है बाढ़ का समय आने का है और इस टाइम जो है चंपारण तटबंध यानी गंडक नदी का जो तटबंध है, बांध है, वो काफी ज्यादा कमजोर जगह जगह पे दिख रहा है और टूटा हुआ थोड़ा सा दिख रहा है, तो उसको थोड़ा सा मजबूती के लिए क्या आप कदम उठा रहे हैं? इसीलिए बांध पर जो आप कह रहे हैं ना, मिट्टी रखा गया है बोरा भरकर, स्पेशली उसके लिए रखा गया है। और तत्काल में जो मिट्टी भरा रहा है उसको, जो कटाव है उसको रोकने के लिए, तो ये काम उल्टा कर रहा है लोग। कटाव वाले स्थान पर ही कटाव करके मिट्टी दे रहे हैं, सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ का हमने लिख कर सरकार को भी दिया है और आपको स्कूटी को दिया है और एसी को दिया है और सेक्रेटरी को भी दिया है, माननीय मंत्री को भी दिया है।